खंडवा जिले के मुंदी में गणगौर चौक के पास मुख्य मार्केट में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब पर ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के साथ धावा बोला। जांच की गई तो पता चला कि लैब संचालक के पास गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग में है। कृष्णराज पिता नरेंद्र सिंह सावनेर निवासी हापला हिडगांव जिला खंडवा के पास लैब संचालित करने का गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग से भी नहीं। BMO डॉक्टर आर के इंगले ने मौके पर पंचनामा बनाकर पैथोलॉजी में जांच उपकरण बरामद किए। BMO डॉक्टर आर के इंगले ने बताया कि लैब पूरी तरह फर्जी है, इसका अवैध रूप संचालन किया जा रहा है। पंचनामा बनाया गया है। मेडिकल एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन SDM को तथा पुलिस थाना मुंदी को प्रस्तुत किया गया। बताया जाता है कि लैब संचालक जो रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट के रूप में फर्जी हस्ताक्षर कर रहा था, लैब के बाहर बोर्ड पर लैब संचालक का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ फ़ोन नंबर लिखे थे और कृष्णा पैथोलॉजी लैब के नाम से जांच करने का काम किया जा रहा था। यह अभी सबसे अचरज वाली बात है कि कई निजी चिकित्सक इस अवैध पैथोलॉजी की जांच पर भरोसा करके उपचार दे रहे थे। माना जा रहा है कि इस छापेमार कार्यवाही के बाद लैब संचालक मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। कार्यवाही के समय उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र साठे, नगर परिषद CMO संजय गीते भी मौजूद थे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ग्रामीण द्वारा मुंदी से शिकायत की गई कि अवैध रूप से लैब का संचालन किया जा रहा है। जाँच के दौरान पाया गया कि न तो लैब का लाइसेंस है न रजिस्ट्रेशन उनके पास है। सारी सामग्री जब्त कर ली गई है और कार्रवाई के लिए SDM और पुलिस को भेज दी गई है। सर ये वैसे तो रजिस्ट्रेशन किसी नाम से है नहीं, बट कृष्णा अर्पण नाम से लैब कृष्णा पैथोलॉजी नाम से लैब का संचालन किया जा रहा है। इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, सील हो जाएगी जी। उसमें जब्ती में क्या क्या सर? लैब के जब्ती में इनके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन, माइक्रोस्कोप और लगभग सारी किट जो भी यूज़ की जाती है, HIV किट हुई, यूरोगैस्ट्रिक किट हुई, मलेरिया किट हुई, टाइफाइड किट हुई, इसका उपयोग किया जा रहा है। ये टोटल पूर्ण रूप से अवैध है और बगैर लाइसेंस के चल रही है जी। अवैध रूप चलाई जा रही थी, जो भी कानून कार्रवाई की जाएगी की जाएगी। कोई मरीज को भी इन्होंने जाँच मलेरिया और उसके दिए 120 रुपये लिए, ऐसी जानकारी दी। हाँ, वो भी देखा गया कि एक मरीज के द्वारा पर्चा मिला गया जिसमें इनके द्वारा टाइफाइड और मलेरिया की जाँच की गई थी, वो भी गलत है बिल्कुल ही, और कोरोना के तहत इन पर और भी कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें डॉक्टर साइन भी इन्होंने किए? वो भी इनके पास पैथोलॉजिस्ट है, उसके अवैध रूप से इनने फिर खुद नहीं साइन किया था उसके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।